हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा जो स्टैटिक का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ मोड, तो कैलकुलेशन ऑफ मोड में हमने उनके फॉर्मूले देख लिए थे और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ट्राई किए थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये ट्राई किया था। ठीक है, दोनों ही तरीके से हमने ट्राई किया था। अब देखिए, हम ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 42, इसको ट्राई करते हैं। इसमें भी आपको मीडियन और मोड की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने 42। 42 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आफ्टर अमेंडिंग द सीरीज। आपको सीरीज को सही करने के बाद में उसमें क्या करना है, मीडियन और मोड की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, आपको जो सीरीज दे रखी है ना, वो दे रखी है एज इन ईयर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ वुमेन्स दे रखा है। अब देखिए, आपको जो ये एज दे रखी है ना, इसमें जो इंटरवल है क्लास का, वो देखिए स्टार्टिंग के जो ये चार क्लास हैं, ठीक है, इन चार क्लास में तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 5 का, ठीक है, और इसके बाद में जो चार क्लास है ये वाले, इनके अंदर जो डिफरेंस चल रहा है क्लास इंटरवल, वो कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, सीरीज़ को अमेंड करना है, मतलब सीरीज़ को सही करना है, क्योंकि हमें जिस सीरीज़ में क्वेश्चन करना होता है ना, उसमें सारे ही क्लास के अंदर जो इंटरवल होता है, जो डिफरेंस होता है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा ज़्यादातर मानते हैं, और हमें मतलब सारे इक्वल डिफरेंस वाले क्लासेस भी होने चाहिए, ऐसे सीरीज़ बनानी है। तो अब देखिए, हम इस सीरीज़ को कैसे अमेंड करेंगे। अब देखिए, आपको 10-10 का डिफरेंस सब में रखना है ना, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिफरेंस चल रहा है वो 10 का ही चल रहा है, तो ये चार क्लास तो बिल्कुल सही बने हैं, लेकिन ये जो चार क्लास है ना, इनसे हम दो क्लास कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्लास को हम बना देंगे 20 से 30 वाला, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करेंगे, और इनकी जो फ्रिक्वेंसीज है ये वाली, इनको भी हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। फिर देखिए, इन दोनों को हम मर्ज करेंगे 30 से 40 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो टोटल क्लास है, अब हमारे पास कितने रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्लास रहेंगे हमारे पास। ठीक है, और अभी कितने थे, अभी 8 क्लास थे, तो दो क्लास जो हमने क्या किया, मर्ज कर दिए हैं। ठीक है, ताकि 10-10 का जो क्लास इंटरवल है वो सब में इक्वल रहे, और यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अभी इसकी सीरीज। ये कॉलम तो एज का हो जाएगा, एज इन ईयर्स वाला। ठीक है, यहाँ पे एज ईयर्स में है ये, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एज इन ईयर्स में हमने जो क्लास को मर्ज किया है, इसके बाद जो हमारे क्लास बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हमारे क्लास बनेंगे 20 से 30। फर्स्ट बनेगा 20 से 30, नेक्स्ट जो है वो बनेगा हमारा 30 to 40, फिर बनेगा 40 to 50, फिर हो जाएगा हमारे 50 to 60, फिर हमारे हो जाएगा 60 से 70, और नेक्स्ट क्लास होगा 70 to 80। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है यहाँ तक की, कैसे क्या हमने, ये देखिए, ये था हमारे क्लास, ज़्यादा थे क्लास, पहले 5 इंटरवल वाले थे, फिर बाद में 10 इंटरवल वाले थे, तो हमने जो 5 इंटरवल वाले थे ना, उनको 10 इंटरवल वाले में चेंज करने के लिए दो दो क्लास को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये काम हमने किया। अब देखिए, इनको तो हमने मर्ज किया, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, इनकी ये जो फ्रिक्वेंसीज चल रही है ना, इनको भी क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखिए इन फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। इसको, इन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 120, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 260। ठीक है, तो ये आपकी फ्रिक्वेंसीज मर्ज होगी आगे, दिख रही है आपको। चलिए अपने उसमें क्वेश्चन में लेते हैं इसको, यहाँ पे कितनी हो गई, मर्ज होके 120 हुई। ठीक है, कैसे हुई मैंने अभी आपको बताया, फिर 260 यहाँ पे हो जाएगी, 260 ये भी कैसे हुई मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर आगे वाले क्लास की देखिए, आगे वाले क्लास की आपको दे ही रखी है 150 120 70 और 50, ये ले लेंगे एज इट इज़। ठीक है, तो ये ले रहे हैं हम 150, फिर लेंगे 120,
फिर देखिए 70 और फिर देखिए 50, ठीक है, हो गया हमारे ये वाला मैटर। अब देखिए, अब आपको है ना क्या करना है, हमको कैलकुलेशन करनी है मोड और मीडियन दोनों की, ठीक है। तो मोड के लिए तो हमें कोई सीएफ नहीं चाहिए, बट मीडियन के लिए तो चाहिए। तो हम एक कॉलम किसका बना लेते हैं, सीएफ का, मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का। तो सीएफ का अगर हम कॉलम बनाते हैं तो फर्स्ट वाली तो एज इट इज रहती है 120, तो ठीक है। फिर 120 प्लस 260 कितना हो जाएगा, 380। फिर 380 प्लस 150 ये हो जाएगा हमारे 530, ठीक है। फिर 530 प्लस 120 650, यहाँ पे आ जाएगी 650। फिर 650 प्लस 70 720। फिर नेक्स्ट 720 प्लस 50 770, ठीक है। ये हमारे सीएफ है, समझ में आता है ये कैसे निकाली। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या होता है, n बराबर कितना होता है 770, ठीक है। ये हो रहा है बात क्लियर आपको पूरी। अब देखिए सबसे पहले आप किसकी कैलकुलेशन करना चाहेंगे, मीन की या मोड की, तो पहले मोड की करते हैं, ठीक है। अब देखिए मोड के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, मोड के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा मोड ग्रुप, ठीक है। अब मोड ग्रुप फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट मोड ग्रुप, मोड ग्रुप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड आउट मोड ग्रुप, जिसके लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। मेथड नंबर तो कौन सा है, मेथड नंबर फर्स्ट आपके पास हो जाता है बाय इंस्पेक्शन। क्या होता है, वापस एक बार जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर उनके लिए समझा रही हूँ, बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। और सेकेंड हो जाता है बाय ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। ये दोनों मेथड हमारे सामने आते हैं किसके लिए, मोड ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सीरीज कैसी है हमारी, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो देखिए बाय इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण से का मतलब क्या है कि जिस क्लास की भी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो क्लास के सामने वाला जो ग्रुप होगा, वो जो क्लास होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोड ग्रुप या क्लास, ठीक है, मोड ग्रुप या मोड क्लास कहलाएगा, ठीक है, समझ में आता है मैटर। तो देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी लगती है आपको, ये 260 है, तो 260 के जस्ट सामने वाला आपके क्या हो जाएगा, मोड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाय इंस्पेक्शन करना है या बाय ग्रुपिंग टेबल मेथड करना है, ठीक है। मतलब कई बार ये भी लगता है ना कि हम इंस्पेक्शन वाला मेथड कहाँ पे यूज़ करेंगे और ग्रुपिंग टेबल वाला मेथड कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जहाँ पे फ्रिक्वेंसीज रिपीट नहीं हो रही हो, ठीक है, जहाँ पे क्या रिपीट नहीं हो रही हो, फ्रिक्वेंसी कोई भी फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट की बात नहीं है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है इसलिए हम ग्रुपिंग टेबल यूज करते हैं, नहीं, कोई भी फ्रिक्वेंसी अगर रिपीट हो जाती है तो आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये वाला ग्रुपिंग टेबल मेथड, ठीक है। समूहीकरण सारणी द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा, समझ में आया। जब आपके कोई भी फ्रिक्वेंसी जब भी आपके कोई भी फ्रिक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही है, जैसे कि इस ग्रुप के अंदर देखिए यहाँ पे कोई फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, तो मतलब आप इंस्पेक्शन से यूज कर सकते हो। इंस्पेक्शन का मतलब देख के बता सकते हो कि ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है तो इसके सामने वाला जो ग्रुप होगा वो आपके मोड ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके क्या हो जाती है, फ्रिक्वेंसी रिपीट हो जाती है, ठीक है, रिपीट हो जाती है, जरूरी नहीं है कि बड़ी वाली ही, लार्ज वाली ही क्या हो, रिपीट हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी फ्रिक्वेंसी अगर रिपीट हो जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल यूज करनी पड़ेगी, समझ में आया, क्लियर हो रहा है मैटर। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा मैटर। तो देखते हैं हम आगे, अब हमें तो यहाँ पे इजीली पता चल गया कि हमारा मोड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोड ग्रुप या क्लास, कुछ भी कह सकते हो, क्लास या ग्रुप, ठीक है। वो हमारा क्या आ जाता है, वो आता है 30 से 40 वाला आता है, ठीक है। अब देखिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका,
मोड का ये फॉर्मूला आपके सामने ये रहता है। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने क्या आता है, फॉर्मूला आपके सामने आता है L1 plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 into I। ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला किसका, मोड को कैलकुलेट करने का। आपने तो कैलकुलेट, आपने मोड ग्रुप तो निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अंडर जो इसके वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे L1 क्या होती है, L1 मोड ग्रुप की लोअर लिमिट जो कि कितनी है, 30 है। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैटर, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, F1 क्या हो जाती है। देखिए अब मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ, ये चीज़ें, ये देखिए, ये जो मोड ग्रुप होता है ना, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1, ठीक है। और इसके पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, F0, और इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी को F2 कहते हैं, ठीक है। मतलब मोड ग्रुप की फ्रिक्वेंसी जो होती है उसे तो हम कहते हैं F1, उससे पहले वाली को F0 और उससे बाद वाली को F2, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे F1 हमारे पास में क्या हो गई है, F1 हो गई है 260, ठीक है। F0 क्या हो रही है, F0 हो रही है हमारे पास में 120, ठीक है। और F2 क्या हो रही है, F2 हो रही है 150, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये I क्या होता है, I का मतलब होता है क्लास इंटरवल ऑफ मोड ग्रुप, ठीक है, मोड ग्रुप का क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे मोड ग्रुप का क्लास इंटरवल क्या है आपके सामने, देखिए क्लास इंटरवल कितने का है, 10 का है, ठीक है। तो पूरे फॉर्मूले की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला एक बार वापस लिख देती हूँ, आप जितनी बार फॉर्मूला लिख के करोगे ना क्वेश्चन को, इतनी बार आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। जितना फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। ये है, ठीक है। अब देखिए L1 क्या हो जाती है हमारी, L1 थी हमारी 30, प्लस F1 कितनी थी 260, माइनस F0 थी 120, ठीक है। फिर 2F1, तो 2 into 260 माइनस F0 कितनी थी हमारी 120, और F2 कितनी थी, F2 थी हमारी, देख लेते हैं, F2 थी 150, ये हो जाएगी 150, और इंटरवल था हमारे 10 का, ठीक है। ये पूरा लिख दिया है, आपको क्या करना है इसमें आपको बॉर्ड मास फॉलो करना है, स्टेट में जहाँ पे भी आप सॉल्यूशन दोगे बॉर्ड मास अप्लाई करोगे, ठीक है। बॉर्ड मास का मतलब पता है ना, ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे इसके माइनस कर दीजिए, ये ब्रैकेट होता है ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो देखिए 260 माइनस 120 कितना होता है, 260 माइनस 120 होता है 140, ठीक है। अपॉन में हम लिखते हैं 260 इंटू 2, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 520, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस ही करना है इसमें से, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आता है 270, ठीक है, और इंटू है ही हमारा 10। फिर चलते हैं 30 प्लस, अभी देखिए ये इंटू 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय, बचा कितना है ये, इसमें से माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके सामने। फिर देखिए क्या करना है, 30 प्लस, जब आप इसको डिवाइड करोगे 1400 डिवाइडेड बाय 250 तो कितना आएगा 5.6। तो इट मीन्स आपका जो जेड है वो कितना हो जाएगा, मतलब मोड कितना हो जाएगा 35.6 ईयर,
ये आपका क्या है, मोड है, ठीक है। ये आपका आंसर है, देख सकते हैं आप इसमें, ये रहा मोड का आया है 35.6 ईयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस मीडियन की, मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए टेबल हमारे सामने बनी हुई है, CF हमने बना दिया है, ठीक है। अब हमें मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करना है ना, तो देखिए आगे हम सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पे देखिए मीडियन ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, m इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है। n आपके कितना था, n था हमारे 770 डिवाइडेड बाय 2, देख लीजिए ये है 770 और डिवाइडेड बाय करेंगे, दिख रहा है ये 770, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से, तो कितना आएगा आपके, ये कितना आने वाला है, ये आएगा 385 आइटम, ठीक है। अब 385 आइटम को आपको कहाँ पर ढूंढना है, CF के अंदर, तो CF के अंदर ये कहाँ पे आ जाएगी, CF के अंदर आ जाएगी आपके ये इस जगह पे 530 के अंदर आएगी। तो ये जो 530 वाला ये जो होगा ये आपके मीडियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, मीडियन ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू, ये हो गया आपके 40 से 50 वाला ग्रुप, ठीक है, 40 से 50 वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये आपके सी हो गई सी, ठीक है, ये आपके एफ हो गई मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए हमें क्या लगाना है, मैंने बता रखा है आपको फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका m इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट m माइनस C, ये आपके मीडियन का फॉर्मूला है जिसे हमें अप्लाई करना है। तो इसके अंदर के जो वैल्यूज़ है, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 40, I का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप 10, ठीक है, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप कितनी है, ये वाली 150, ठीक है, तो ये लेते हैं 150। फिर C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप, तो ये हो जाएगी C, तो 380 आ गई सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो आगे करते हैं, चलिए L1 लिख देते हैं 40 प्लस I था 10, F था हमारा कितना 150, ठीक है, m स्मॉल लेटर का कितना आया था 385 लेस 380। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो 40 प्लस 10 एज इट इज 385 माइनस 380, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। तो 40 प्लस कीजिए मल्टीप्लाई, 50 आ जाता है, 50 डिवाइडेड बाय 150। अब देखिए कितना आता है, 40 प्लस में आना है ये आपके, तो कितना आएगा 0.33, ठीक है, 0.33 आ जाएगा। तो आपके मीडियन m क्या हो जाएगी, 40.33 है ना, 40.33 ईयर, ये आपके इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, ये लिखिए 40.33 ईयर्स, और मोड हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। ये टेबल थी हमारी, मोड की कैलकुलेशन, मीडियन की कैलकुलेशन के सारे फैक्टर्स लिखे हमने, मीडियन किया, ठीक है। तो ये आपके मीडियन का सॉल्यूशन, ये आपके मोड का सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे। बस आपको फॉर्मूला जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, उतनी बार आपके फॉर्मूले कन्फर्म होते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लेने हैं, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है स्टेट्स में, ठीक है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। अब देखिए और भी आगे है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ खुद के करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 43 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप वीडियो में 43 क्वेश्चन आप देख लीजिए और आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपके क्या है 45.5 इसका क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है क्या ये सीरीज कैसे दे रखी है,
ये सीरीज कैसे दे रखी है, देखो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये जो सीरीज दे रखी है ये कौन सा फॉर्म ऑफ सीरीज है, ये तो आपके है इंक्लूसिव। कैसी है? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव दे रखी है, जिसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। समझ में आ रहा है? अब देखिए 0 से 9 है तो आपको तो इसको सीरीज को सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव नहीं है, सॉरी एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आपको चेंज करना है। तो आप चेंज कैसे करोगे, आप 0.5 से करोगे। ये सब मैंने आपको प्रीवियस में सब बताया है, इसके जो बेसिक्स हैं वो सब मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में, उसमें मैंने आपको सब बताई है, सारी बेसिक चीज़ें, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वो पूरा स्टेट्स में क्या करेंगे, आपके बेसिक का काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए 0.5 को हम लेंगे, तो 0.5 को एक बार तो क्या करना है, अपर लिमिट में से माइनस करना है, ठीक है, और जो सॉरी लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है। तो पहला क्लास अब जीरो में आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो जीरो ही आना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो जीरो ही रहने दो, फिर 9.5 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इस लोअर लिमिट में से 0.5 को आप माइनस करोगे तो कितनी हो जाएगी नेक्स्ट क्लास, आपके नेक्स्ट क्लास 9.52, ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। ऐसे ही आपके आगे के क्लास बनेंगे, ठीक है, और फिर आप इसमें से क्या निकालोगे, मोड फाइंड आउट करोगे, कर लोगे। ये मैंने आपको क्या दिया, होमवर्क दिया है, आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चन अभी हम